आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के सरदारनगर गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत समस्याएं यहां बाकी हैं। आगे की जानकारी हम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे, तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, आपको यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग, क्या क्या विकास कार्य आपने यहाँ गाँव में करवा दिए हैं? निधि से मनरेगा से बहुत विकास कराया है और निधि से भी बहुत विकास कराया है जी। जैसे कि यहाँ सड़कें वगैरह निर्माण आपने कराया है, सीसी कार्य करवाया है यहाँ पर? जैसे कराया है नरेगा से सीसी कार्य कराया है। अच्छा। और नालियाँ मनरेगा से नाले डलवाए हैं, नाले वगैरह भी बनवाए हैं। क्या यहाँ गरीबों को आवास मिले हैं? मिले हैं। कितने आवास यहाँ मिला? 40-42 आवास मिले हैं। मिले हैं। आपका ये ग्राम पंचायत हो रही है मुंबई पूरी तरह से? इंशाल्लाह कुछ कमी थोड़ी सी है उसे पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ यहाँ गांव में मिला है सब? कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है जी। उसके ना मिलने की वजह? ना मिलने की वजह ठेकेदार लोग आते हैं और उनसे जब कहते हैं वो चले जाते हैं तो फिर वापस लौट के नहीं आते। वो उनसे बहुत फोन करते हैं तो कभी आ जाते हैं एक दो बार और फिर वो अभी ज़्यादा नहीं रहे, 8-10 कनेक्शन अभी बाकी है। जो क्या ये गरीबों के बिजली वाले कनेक्शन, जो ये सरकार ने किसानों के लिए योजना चलाई है किसान सम्मान निधि का पैसा जो वो दे रही है 2-2 हज़ार यहाँ? हाँ जी, 2-2 हज़ार। तो आपके ग्राम पंचायत में कितने परसेंट किसान इसका लाभ? मैं समझता हूँ 50% ले पाए हैं। और किसानों का बीमा यहाँ हुआ है? बीमा भी हुआ है, कम हुआ। बीजों पर जो सब्सिडी मिलती है वो मिल रही है? आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह उससे तो कोई फायदा नहीं मिला? नहीं कोई फायदा। मेरे अभी मेरे भाई चाचा गांव के हिसाब से आयुष्मान कार्ड है, उसमें कोई भी लाभ नहीं। कोई फायदा मतलब बना हुआ है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला? डेंटल में चले गए, सरकारी में चले गए, उन्होंने वो कहा था अभी ऐसा कोई हमें क्या मतलब आपने जब उसका उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वहाँ क्या समस्या? क्यों वहाँ जाइए आखिर को वो बेचारे कैंसर की बीमारी लगे, कोई भी लाभ नहीं, कोई लाभ उन्हें नहीं मिलता है। यानी कि आपका आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो आयुष्मान कार्ड की योजना है ये कहीं ना कहीं विफल है। मैं समझता हूँ जब मैंने पूरा जोर लगा लिया एक कार्ड के लिए तो मैं तो समझता हूँ विफल ही है जी। यहाँ कौशल विकास योजना के तहत क्या कोई युवा नौकरी कर रहा है? जो एक सरकार ने युवाओं के लिए योजना चलाई है कौशल विकास, जो मुफ्त में प्रशिक्षण वो उनको दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है कुछ ना कुछ काम सिखाने की, उसके बाद में वो नौकरी लगाते हैं, क्या यहाँ इस ग्राम पंचायत में उसका लाभ लिया है किसी ने? कुछ नहीं मिल पाया। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा क्या मौजूद है? बारात घर है आपके ग्राम पंचायत? बारात घर नहीं है। पंचायत घर भी नहीं है और जगह भी मौजूद पड़ी है। खेल का मैदान भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र है। शमशान घाट हमने बनवा दिया है, एक कब्रिस्तान है, सब कुछ बाउंड्री वॉल हो रखी है। आप अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए यहां पर और ज्यादा विकास करने के लिए क्या मांग आप सरकार से? पंचायत घर की मांग हमारी आवश्यक है जी। और दूसरा एक खेल के मैदान का आवश्यक है, लोगों की मांग है, दोनों समाजों का एक बीच अच्छा लगता है। हमने कई बार हमारे नेता हैं हाजी रिजवान साहब, उनसे भी कहा रिक्वेस्ट है मगर वो अभी तक उस पर कोई अमल नहीं। जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ प्रधान जी से बातचीत की है, यहाँ पर उन्होंने अपने विकास के बारे में भी बताया है, काफ़ी विकास करवाया है और समस्याओं के बारे में भी हमने जानकारी ली है। इस गांव में बहुत ही समस्याएं यहाँ हमें जानने को मिली हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ बारात घर पंचायत घर की है जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। ग्राम समाज की भूमि इस गाँव में है लेकिन उस भूमि पर व्यक्तिगत रूप से लोग कब्जा करने के फिराक में हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। ना तो वहाँ पर कोई इमारत बन रही है और ना ही उस कब्जे को हटाने की कोई कोशिश की जा रही है। क्या प्रशासन यहाँ लापरवाही कर रहे हैं या लोगों की उम्मीदें यहाँ विफल होती हुई नजर आ रही हैं? नाम आपको? नंदा चंदे। आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं इंचार्ज अध्यापक के पद पर। मैडम ये बताइए कि यहाँ स्कूल में प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है? प्रधान जी द्वारा ये विद्यालय में टाइल्स बिछवाई गई है, मतलब ये ग्राउंड। और इसके अलावा? इसके अलावा ये वाटर सेविंग का जो ये लगा हुआ है ये बनवाया। अच्छा, कितना समय देते हैं प्रधान? जरूरत पड़ती है तो विद्यालय के लिए जब भी हम बुलाते हैं तो आते हैं।